Hello everyone, we'll be discussing the subject fluid mechanics. We were discussing the topic pressure and its measurement. In the previous lectures, we've covered all these topics. The last lecture was related to YouTube manometers. हमने थोड़े से numericals करे थे. आज हम YouTube manometers पे और numericals practice करेंगे. So let's start. The first numerical is a liquid of specific gravity 0.82 is flowing through a pipeline connected to a simple manometer containing mercury. The center of the pipeline is 0.18 meters below the level of mercury in the right limb. Determine the pressure of fluid in the pipe when the difference of mercury level in the two limbs is 0.25. So in numericals, mein sabse pehle to hume kya banana hota hai? Hume diagram banana hota hai. So this is the pipeline. पाइपलाइन के अंदर फ्लूइड जा रहा है, जिस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.82, तो ये हम लिख सकते हैं इस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.82. इसके साथ एक मैनोमीटर कनेक्टेड है, जो मैनोमीटर हमने ये ड्रॉ कर दिया है. दिस इज द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन. तो सेंटर ऑफ पाइपलाइन से हमने एक लाइन एक्सटेंड कर दिया ताकि हमें पता चलता रहे, क्योंकि इसके रेफरेंस में हमें रीडिंग्स पता चलेंगी कि मर्क्यूरी लेवल कहाँ तक है. द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन इज 0.18 मीटर्स बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम. तो राइट लिम में मर्क्यूरी का जो लेवल है वो सेंटर ऑफ पाइपलाइन से कितना ऊपर है, 0.18 मीटर्स. ठीक है, तो अगर हम मर्क्यूरी ड्रॉ करने हैं लगे हैं तो मर्क्यूरी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस लेवल पे. तो इस लेवल पे अगर आप मर्क्यूरी ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चल रहा है कि जो ये हाइट है, ये हाइट कितनी है सेंटर ऑफ पाइपलाइन से 0.18 मीटर्स. ठीक है, कौन से लिम्ब की बात हो रही थी, राइट लिम्ब की बात हो रही थी. अब क्या बोलता है, वो बोलता है कि determine the pressure of fluid in the pipe when the difference of mercury level in the two limbs is 0.25. अब बोलता है इस लेवल और इस यहाँ पे जो मर्क्यूरी का लेवल होगा उसमें डिफरेंस कितना है, 0.25. तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक मर्क्यूरी का लेवल है लेफ्ट लिम में और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 0.25. तो इसके और इस लेवल के बीच में कितना डिफरेंस बता रहा है वो हमें, 0.25. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, 0.25 मीटर्स. अब वो बोल रहा है कि हमें क्या डिटरमिन करना है, हमें ये प्रेशर ए डिटरमिन करना है. तो इस प्रेशर ए को डिटरमिन करने के लिए मुझे ये लेंथ निकालनी पड़ेगी. ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कैसे आएगी, ये टोटल लेंथ कितनी थी 0.25, इसमें से क्या माइनस कर दूं, 0.18 माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये वाली हाइट. तो दिस हाइट इज इक्वल टू यहाँ से लेके सेंटर ऑफ पाइपलाइन तक जो हाइट है दैट इज 0.07 मीटर्स. कैसे आया, 0.25 माइनस 0.18 इज इक्वल टू 0.07 मीटर्स. डेटम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस लाइन रिप्रेजेंट्स माय डेटम. ये लाइन जो है एक्स एक्स, ये क्या बता रही है मुझे, मेरा डेटम बता रही है. तो जितनी भी मैं रीडिंग्स लूंगी वो किसके रिस्पेक्ट में लूंगी, डेटम के रिस्पेक्ट में लूंगी. तो अब कैलकुलेशंस करते हैं, हमारी इक्वेशन बनेगी पी ए. अब हमें पता है यहाँ पे जो राइट लिम्ब है, राइट लिम्ब के ऊपर कैसा प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, तो मैं इसकी वैल्यू कितनी मान लूंगी, इक्वल टू जीरो मान लूंगी. ठीक है, तो पी ए इज इक्वल पी ए. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पॉइंट से नीचे को की तरफ आ रही हूँ. नीचे की तरफ आऊंगी कहाँ तक, डेटम तक. डेटम तक क्यों, क्योंकि अगर डेटम के नीचे जा रही हूँ तो जितना नीचे इधर जाऊंगी उतना ही ऊपर इधर आऊंगी. और लिक्विड दोनों में क्या है, मर्क्यूरी प्रेजेंट है, और मर्क्यूरी है तो जितना आप नीचे जा रहे हैं उतना ऊपर जाएंगे, तो आपका बैलेंस हो जाएगा. यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा. सेम लिक्विड है तो सेम लिक्विड लाइन पे हम क्या कर देते हैं, उसको डेटम मान लेते हैं. तो पी ए प्लस कौन कितना नीचे आई, 0.07 मीटर्स नीचे आई. कौन से फ्लूइड में, कोई 0.82 जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, इंटू 10 टू द पावर 3 वाटर की डेंसिटी
इंटू 9.81। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पॉइंट पे पहुंच के इस पॉइंट से मैं कहाँ चली गई, मैं जंप मार के यहाँ आ गई। यहाँ से अब मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाना है तो कौन सा साइन यूज होगा, माइनस का साइन यूज होगा। तो कितना हाइट कितनी है, हाइट इज 0.25, दिस हाइट इज 0.25। तो 0.25 कौन सा फ्लूइड है, मर्क्यूरी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 13.6। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 इंटू 9.81 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे, एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी है, मैं सिंबल्स में नहीं बात कर रही हूँ। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आएगा पी ए प्लस 563.094 माइनस 33354 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब मैं इन टर्म्स को माइनस के इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, पी ए विल बी इक्वल टू 33354 माइनस 563.094 विच विल गिव मी, पी ए विल बी इक्वल टू 32790.906 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक बात आप ध्यान रखें कि जितनी आप डेसिमल प्लेसेस की कैलकुलेशन को इंक्लूड करेंगे अपने उसमें, वैसे ही यहाँ पे जो वैल्यू है उसको वो बदल जाएगी। ठीक है, तो दिस वैल्यू कैन चेंज अगर आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो अपनी कैलकुलेशन में रख रहे हैं उनको रिड्यूस कर दें। तो आई प्रिफर कि आप मिनिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो जाएं ही जाएं, क्योंकि फिर उससे एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज हो जाती है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपल मैनोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी वाज यूज्ड टू फाइंड द नेगेटिव प्रेशर इन द पाइप कंटेनिंग वाटर। इट्स राइट लिम्ब इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर एंड लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टू द पाइप। The center of the pipe is 70 mm above the level of mercury in the right limb. Find the negative pressure below the atmosphere in the pipe. If the difference of mercury level in the two limbs is 50 mm. तो ये स्टेटमेंट आपने दो बार ही पढ़नी है। सबसे पहले तो मुझे क्या क्या चीजें पता चल रही हैं कि मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या है, मर्क्यूरी है, और सिंपल मैनोमीटर है तो कैसा होगा, यूट्यूब होगा, यूट्यूब मैनोमीटर है। प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर कैसा है मेरे पास, नेगेटिव प्रेशर है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब कौन सा प्रेशर दे रखा है मुझे, वैक्यूम प्रेशर दे रखा है। वैक्यूम प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने वाला है ये। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होने वाला है, कम होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाइए, आपको दिया है कि जो राइट लिम्ब है, और एक और चीज दे रखी है कि पाइप में कौन सा फ्लूइड है, पानी है। पाइप का फ्लूइड भी बता दिया है क्या है, वो पानी। क्लियर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक मैनोमीटर बना लेते हैं। पहले तो ये हमारी पाइप है और ये हमारा मैनोमीटर है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ पाइपलाइन है और यहाँ पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। अब हमें पता है कि प्रेशर कैसा है, नेगेटिव प्रेशर है। तो फिर से अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सेंटर ऑफ पाइप इज 70 मीटर अबव द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब। मतलब सेंटर ऑफ पाइप से कितना नीचे आऊं मैं 70 मिलीमीटर नीचे आऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 70 मिलीमीटर नीचे आके मुझे लेवल ऑफ मर्क्यूरी मिल जाएगा कि इस पॉइंट से क्या स्टार्ट हो रहा है, मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा है 70 mm। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि यहां से मेरा क्या स्टार्ट हो गया है, मर्क्यूरी स्टार्ट हो गया है। अब बोलता है कि जो लेफ्ट लिम्ब है उसमें और जो राइट लिम्ब है उसमें मर्क्यूरी में जो डिफरेंस है, मर्क्यूरी लेवल में जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 एमएम का। तो मतलब अगर यहाँ पे ये मर्क्यूरी का लेवल इस पॉइंट पे है, सो दिस इज 50 मीटर्स, इस लेवल और इस लेवल के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 50 मीटर्स का। अब यहाँ पे हमने डेटम ड्रॉ कर लिया क्योंकि इसके नीचे जो लिक्विड है वो क्या है, सेम है।
अगर हम इक्वेशन बनाना शुरू करें तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और नीचे आएंगे फ्लूइड वन. फ्लूइड वन क्या है हमारे पास? वाटर. सो दिस फ्लूइड इज वाटर. वाटर में अगर हम नीचे आ रहे हैं तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए. ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? 70 माइनस 50. सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 20 mm. 20 mm, ठीक है. तो अब इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं. आर इक्वेशन विल बी पी ए प्लस, क्योंकि हम नीचे को आ रहे हैं, यहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो पी ए प्लस 20. अब एमएम में है तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लिक्विड कौन सा है? वाटर है. तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10 to the power 3 into 9.81. तो मैं किस लेवल तक पहुंच गई? मैं इस लेवल तक पहुंच गई. अब यहाँ से मुझे नीचे आना है. नीचे आने के लिए क्या करना होगा? नीचे आने के लिए मुझे फिर से प्लस का सिंबल यूज करना होगा. 50 upon 1000, क्योंकि mm में है, फिर से मैंने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया. इंटू 10 to the power 3 इंटू 9.81. एक चीज जो इसमें है कि ये कौन सा लिक्विड है? मर्क्यूरी. तो यहाँ पे क्या आएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6. अब अगर मैं इस पॉइंट से इधर शिफ्ट होती हूँ तो मेरे पास ऊपर जाने के लिए कोई लिक्विड ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली इक्वल टू जीरो. एम आई क्लियर? एक चीज जो हमें नोटिस करनी है वो है कि ये वैक्यूम प्रेशर है. अगर मुझे यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर ना दिया होता और सिर्फ ये डायग्राम दिया होता तो भी मैं बता सकती थी कि ये वैक्यूम प्रेशर है, क्योंकि वैक्यूम प्रेशर का मतलब होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर से कैसा प्रेशर है. यहाँ पे पी ए पे कम प्रेशर है. तो अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ कि पी ए इज लेस देन पी ए टी एम. प्रेशर एट पी ए इज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो क्या हो रहा है? जब ये प्रेशर ज्यादा है तो ये इसको क्या करेगा? डिप्रेस कर देगा. ये नीचे को चला जाएगा. मर्क्यूरी नीचे को चला जाएगा तो जो सेंटर ऑफ पाइपलाइन है उससे ये मर्क्यूरी का लेवल क्या हो गया? राइट लिम में नीचे हो गया. अगर मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पे नीचे हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कर जाएगा? वो राइज करेगा, ठीक है. तो ये चीज हम सिर्फ ये फिगर देख के बता सकते थे. अगर हमें क्वेश्चन दूसरे तरीके से आता है कि आपको फिगर दे दिया है, स्टेटमेंट नहीं दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप का प्रेशर है, तो कैलकुलेशन से साइन भी हमें बता देगा कि माइनस है तो नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर होगा और प्लस है तो गेज प्रेशर आएगा. बट अगर फिगर देख के मुझे बताना हो तो वो कैसे बता सकती हूँ मैं? कि अगर सेंटर ऑफ पाइपलाइन से आपका राइट लिम में मर्क्यूरी नीचे है तो जनरली वो क्या इंडिकेट करता है? वैक्यूम प्रेशर इंडिकेट करता है, ठीक है. इसीलिए मैंने ये डायग्राम जब बनाया तो ये 50 mm का जो गैप, जो डिफरेंस इन लेवल था, इसलिए इस लिम में, लेफ्ट लिम में मैंने इस लेवल को कहाँ बनाया है? ऊपर बनाया है. तो सॉल्व करते हैं ऊपर. तो पी ए प्लस, अगर हम इसकी वैल्यूज लिखें तो वैल्यूज कम आउट टू बी 196.2 प्लस 6670.8 is equal to 0. PA plus 6867 is equal to 0. So simply PA kya ho jayega? PA will be equal to minus 6867 newton per meter square. और ये negative sign क्या indicate कर रहा है? ये negative sign indicate कर रहा है कि pressure कैसा है? Vacuum pressure है. Am I clear? So this is my answer. तो पाइप में प्रेशर कैसा है? पाइप में प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ये वाला प्रेशर है एग्जिस्ट कर रहा है पाइप के अंदर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख. द लेफ्ट लिम ऑफ अ यूट्यूब मैनोमीटर यूजिंग मर्क्यूरी एज इट्स मैनोमेट्रिक लिक्विड इज कनेक्टेड टू अ पाइपलाइन कन्वेइंग वाटर. द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द लेफ्ट लिम बीइंग 0.6 मीटर्स बिलो द सेंटर ऑफ द पाइपलाइन. द राइट लिम बीइंग ओपन टू एटमॉस्फेयर. The level of mercury in the right limb is 0.45 meters above that in the left limb. The space above mercury in the right limb contains benzene having specific gravity 0.88 to a height of 0.3 meters. Find the pressure in the pipe. So, सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. हमें पता है कि यूट्यूब मैनोमीटर है, तो यूट्यूब मैनोमीटर हमने ड्रॉ कर दिया है. पाइप में क्या जा रहा है? पानी जा रहा है, तो पाइप में पानी जा रहा है, हमने ये भी ड्रॉ कर दिया.
फिर बोलता है कि द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द लेफ्ट लिम्ब बीइंग 0.6 मीटर्स बिलो द सेंटर ऑफ पाइपलाइन। तो सेंटर ऑफ पाइपलाइन क्या है, ये है इससे 0.6 मीटर्स अगर मैं नीचे आती हूँ, तो यहाँ से अगर मैं 0.6 मीटर्स नीचे आती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मर्क्यूरी का लेवल मिल रहा है। तो मर्क्यूरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट लिम्ब में। अब बोलता है वो कि द राइट लिम्ब बीइंग ओपन टू द एटमोसफेयर, यहाँ पे राइट लिम्ब ओपन टू द एटमोसफेयर है, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब इज 0.45 मीटर्स अबव दैट इन द लेफ्ट लिम्ब। तो राइट लिम्ब में यहाँ तक है, हमें कितना ऊपर जाना है इस लेवल से, 0.45 मीटर्स। तो अगर मैं इस लेवल से 0.45 मीटर्स ऊपर आऊँ, 0.45, अब ये सेंटर ऑफ पाइपलाइन से नीचे रहेगा तो ये कितना है, 0.45 मीटर्स। तो मैं यहां तक आने वाली हूँ, ठीक। तो यहां तक क्या प्रेजेंट है हमारे पास, मर्क्यूरी प्रेजेंट है, ये इस लेवल तक मर्क्यूरी प्रेजेंट है। तो ये तो हमें मर्क्यूरी के लेवल्स पता चल गए। फिर बोलता है वो नेक्स्ट लाइन में कि द स्पेस अबाउट मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब, राइट लिम्ब कौन सा हुआ, ये वाला, कंटेन्स बेंजीन। तो यहाँ पे क्या है, अब बेंजीन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.88 टू अ हाइट ऑफ 0.3 मीटर्स। तो यहाँ से ऊपर कितनी ऊपर आएंगे हम, 0.3 मीटर्स ऊपर आएंगे अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट से कितना ऊपर आना है, मैंने 0.3 मीटर्स ऊपर आना है। तो यहाँ से 0.3 मीटर्स ऊपर गई, 0.3 मीटर्स ऊपर आए, तो हमारे पास इस लेवल तक क्या आ रहा है, बेंजीन। दिस वॉज मर्क्यूरी, दिस इज मर्क्यूरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 13.6। ये क्या होने वाला है, बेंजीन। बेंजीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.88 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो बेंजीन पहले शो कर लेते हैं हम फिगर में, ये हमारी बेंजीन हो गई। हाइट कितनी है, 0.3 मीटर्स। तो अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, दिस वाज पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से हमने क्या करना है, यहाँ से हम नीचे आएंगे। तो पहले तो डेटम डिसाइड कर लेते हैं, डेटम कौन सा पॉइंट होगा, डेटम वो पॉइंट होगा जिसके नीचे दोनों साइड सेम लिक्विड हो। तो इस लाइन के अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, इसके दोनों साइड क्या है सेम, नीचे इसके क्या है, सेम लिक्विड है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेटम बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, मैं नीचे की तरफ आऊंगी, नीचे की तरफ कौन से फ्लूइड में आ रही हूँ, वाटर। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन पी ए। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो क्या लिखते हैं, डेंसिटी, सॉरी प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच, एच कितना है, किस हाइट तक पानी है, यहाँ पे 0.6 मीटर्स तक पानी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.6, एच इज 0.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, क्योंकि पानी ही है, इसका डेंसिटी कितना होता है, 10 to the power 3 इंटू 9.81। क्लियर। अब देखिए, अब हम डेटम पे पहुंच गए, डेटम से यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे, इधर से मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाती हूँ तो कौन सा साइन आता है, माइनस का। तो यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगा लेते हैं। अब यहाँ से मुझे कितनी ऊपर जाना है, 0.45 मीटर्स ऊपर जाना है, कौन से फ्लूइड में, मर्क्यूरी में। तो अगर मैं जाऊँ, कितना डिस्टेंस कवर करना है मुझे, 0.45, कौन से फ्लूइड में, मर्क्यूरी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 13.6, डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी 10 to the power 3 इंटू 9.81। क्लियर। अब मैं इस पॉइंट तक पहुंच गई, इस पॉइंट से भी मुझे कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो कौन सा फ्लूइड आ गया, बेंजीन आ गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.88, कितना डिस्टेंस ऊपर जाना है, 0.3 मीटर्स। तो यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का साइन, कितने डिस्टेंस, 0.3 मीटर्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.88, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 इंटू 9.81। और यहाँ पे आके हम किसको हिट कर जाते हैं, एटमोसफेयर को हिट कर जाते हैं, और एटमोसफेयर की वैल्यू क्योंकि गिवन नहीं है तो मैं इसको कितना मान लूंगी, 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। एम आई क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर हम इस रूल को फॉलो करें कि नीचे आते वक्त प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का साइन आएगा,
और ऊपर जाते वक्त प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फ्लूइड्स, चाहे एक फ्लूइड हो, दो फ्लूइड हो या तीन फ्लूइड क्यों ना हो, हमारी इक्वेशन उसी तरीके से बनेगी। अगर नीचे को आ रहे हैं तो प्लस होएगा, ऊपर को जा रहे हैं तो माइनस होगा। आपने बस ये ध्यान देना है कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक से लिखें और उनकी हाइट्स ठीक से कैलकुलेट करें। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पी ए प्लस 5 8 8 6 प्लस सॉरी पी ए प्लस 5 8 8 6 माइनस 6 00 37.2 माइनस 2 5 8 9.84 इज इक्वल टू 0। तो मैंने ये सारे वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिए। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो पी ए माइनस 5 6 7 4 1.04 इज इक्वल टू 0। तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 5 6 7 4 1.04 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन द पाइप। एम आई क्लियर? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आपको सिर्फ एडिशनल क्या दे रखा था, बेंजीन दे रखा था। तो बेंजीन देख के आपने घबराना नहीं है कि एक और लिक्विड क्यों आ गया है, क्योंकि हमारी अभी भी इक्वेशन एक ही लाइन की बनी है। हम जब नीचे गए तो हमने प्लस किया, जब ऊपर जा रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, माइनस। सो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करना, आप देख रहे हैं कि दो तीन लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है अगर हमारे पास डायग्राम करेक्टली फॉर्म्ड है तो। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने यूट्यूब मैनोमीटर यूज करना है, इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ पाइपलाइन विच इज इन एक्सेस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। द राइट लिम ऑफ द मैनोमीटर कंटेन्स मर्क्यूरी एंड इज ओपन टू द एटमोस्फेयर। The contact between water and mercury is in the left limb. Determine the pressure of water in the main line. If the difference in level of mercury in the limbs of U tube is 0.1 meters and the free surface of mercury is in level with the center of the pipe. तो सबसे पहले तो हमें कुछ कुछ information दे रखी है, क्या कि water है liquid में, U tube manometer है, mercury is the manometric fluid, और साथ में यहाँ लिखा है एक्सेस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जो पाइपलाइन में प्रेशर है वो कैसा प्रेशर है, गेज प्रेशर है। तो एक चीज मुझे गिवन है कि पी ए जो है इट इज ग्रेटर देन पी ए टी एम, मतलब प्रेशर कैसा है यहाँ पे, गेज प्रेशर यूज हो रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले हम मैनोमीटर बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। सो ये हमारा मैनोमीटर रेडी है। यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे इधर क्या दे गिवन है हमें, पी एटमोस्फेयर। प्रेशर कैसा दे रखा है हमें, गेज प्रेशर दे रखा है। तो लेट्स सी, द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर कंटेन्स मर्क्यूरी एंड इज ओपन टू द एटमोस्फेयर। ये हमने देख लिया। अब राइट लिम्ब कौन सा है, ये है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, मर्क्यूरी प्रेजेंट होगा। द कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड मर्क्यूरी इज इन द लेफ्ट लिम्ब, मतलब कि अगर मर्क्यूरी और वाटर के बीच में कहीं पे कोई जंक्शन पॉइंट आ रहा है तो वो किस में आने वाला है, लेफ्ट लिम में आने वाला है। तो ये हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बना दी, हमें नहीं पता कि कितनी डेप्थ में है, ये अभी डेप्थ मुझे नहीं पता है, पर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, जंक्शन पॉइंट बना दिया। अब नेक्स्ट है कि डिटर्मिन द प्रेशर ऑफ वाटर इन द मेन लाइन इफ द डिफरेंस इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द लिम्स ऑफ यू ट्यूब इज 0.1 meter and the free surface of mercury is in level with the center of the pipeline. अब मुझे पता है कि जो right limb है इसमें mercury इस point तक नहीं है, ऊपर तक है, अभी मैंने उसको draw नहीं किया, mark नहीं किया है, तो यहाँ पे last line बोल रहा है the free surface of mercury is in level with the center of pipeline. तो जब pipeline की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो center of pipeline है इस तक हमारे पास क्या present है, इस limb में mercury present है। Clear? तो अगर यहाँ तक मर्क्यूरी प्रेजेंट है, तो अगर मैं ये वाली लाइन देखूं, तो इस लाइन में बोलता है कि जो डिफरेंस है इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द लिम्स ऑफ यू ट्यूब इज 0.1 meters, मतलब ये वाला लेवल और इस वाले लेवल के बीच में जो डिफरेंस है
वो कितना डिफरेंस है, 0.1 मीटर का डिफरेंस है, तो ये भी हमें गिवन हो गया। इससे अब क्या हुआ, मेरा पूरा नैनोमीटर सॉल्व हो गया, मतलब जो डायमेंशंस है मुझे सबकी पता चल गई। डेटम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस लाइन विल बी माई डेटम, क्योंकि इस लाइन के नीचे दोनों लिम्स में सेम फ्लूइड प्रेजेंट है। तो सेम फ्लूइड क्या है यहाँ पे, मर्क्यूरी। एम आई क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, वही फॉर्मूला कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्लस का साइन यूज करेंगे, यहाँ से फिर इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो माइनस का साइन यूज करेंगे। तो लेट्स राइट पी ए इज इक्वल टू, सॉरी पी ए प्लस, नीचे आ रहे हैं, यहाँ से नीचे आ रहे हैं, कितना नीचे आ रहे हैं, 0.1, कौन से फ्लूइड में, वाटर में। तो 0.1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1, डेंसिटी इज 10 to the power 3 इंटू 9.81। अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गई, यहाँ से मैंने जंप किया, इधर पहुंच गई, यहाँ से अब आप ऊपर जाएंगे तो कितना ऊपर जाएंगे, 0.1 मीटर्स, कौन से फ्लूइड में, मर्क्यूरी में। तो ऊपर जाने के लिए कौन सा साइन यूज हो रहा है, माइनस। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 0.1, कौन से फ्लूइड में, 13.6, मतलब मर्क्यूरी में, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 इंटू 9.81। अब मैं इस पॉइंट तक पहुंच गई, इसके ऊपर मुझे क्या मिला, एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर पे जब हम पहुंचते हैं उसकी वैल्यू नहीं गिवन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। सो लेट्स सॉल्व। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा पी ए प्लस 981 माइनस 133.41.6 इज इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट पी ए माइनस 12360.6 is equal to 0. So finally, PA will be equal to 12360.6 Newton per meter square. So this is my answer. This is my answer. Am I clear? तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये जो ये लिक्विड है, इसमें जो प्रेशर है इस पाइपलाइन में, that is equal to this amount. और ये दिखती सी बात है कि ये 1 atm से ऊपर है, 1 atmosphere से ऊपर है। Clear? So this was the first part of the question. जो second part है इस question का, वो बहुत ज़्यादा important है. So let's see that. Second part बोलता है, if the pressure of water in the pipeline is reduced to 9810 newton per meter square, calculate the new difference in the level of mercury. This is a very very important part. ठीक है, तो लेट्स सी, पहले मैनोमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दीज आर द मैनोमीटर्स, ये केस वन था। वो कह रहा है कि इनिशियल, हमने अभी कैलकुलेट किया कि इनिशियल प्रेशर कितना है पाइप में, दिस इज द डायग्राम फॉर केस वन, 12360.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है वो कि जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस में जो प्रेशर है हमारे पास, वो गिवन है, प्रेशर ऑफ द पाइपलाइन इज 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि ये प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज किया है। ये प्रेशर क्या किया है, डिक्रीज किया है, प्रेशर डिक्रीज किया है। मतलब कि ये जो ये वैल्यू है आपके, या जो ये हाइट है हमारे मर्क्यूरी की, ये क्या करेगी, ये मर्क्यूरी की वैल्यू डिप्रेस करेगी, नीचे आएगी। ये प्रेशर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये क्या करेगा, नीचे आएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रेशर कम एग्जर्ट कर रहा है, यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है वो कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली, ये लेवल जो है ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये लेवल ऊपर को शिफ्ट होएगा तो इस लेवल को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो इस लेवल को जब हम नीचे लेके आ रहे हैं, तो अब हमने देखना है कि हमारा जो डेटम है वो शिफ्ट हो जाएगा, डेटम शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। तो अब यहाँ पॉइंट्स लिखते जाते हैं कि क्या क्या होगा, डेटम चेंज हो जाएगा, तो डेटम चेंजेस इसमें। दूसरा क्या होगा कि जो आपका मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से हम अज्यूम करते हैं कि हम कितना ऊपर गए, हम एक्स अमाउंट ऊपर गए, यहाँ से हम कितना ऊपर गए, एक्स अमाउंट ऊपर गए। तो यहाँ से इस
साइड लिंब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स अमाउंट नीचे आना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। अगर आप, क्योंकि इनका डायमीटर तो सेम है दोनों ट्यूब्स का, तो अगर आप इधर से ऊपर जा रहे हैं तो आपको इधर से क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स ऊपर गए, यहाँ से एक्स अमाउंट नीचे आना पड़ेगा। अब अगर आप देखेंगे तो आपका जो डेटम है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ या मर्क्यूरी का लेवल ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल क्या हो गया, नीचे हो गया पिछले लेवल से, और यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल क्या हो गया, ऊपर हो गया पिछले लेवल से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है पहले समझना कि मर्क्यूरी का लेवल कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राइट लिम्ब में लेवल नीचे आएगा क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है जब यहाँ पे, तो ये लिक्विड यहाँ से मर्क्यूरी क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मर्क्यूरी को ऊपर जाना पड़ेगा उसके ऊपर, जो नीचे को डाउनवर्ड फोर्स जो थी वो कम हो गई, कम हो गई तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से मर्क्यूरी ऊपर जा रहा है तो यहाँ से मर्क्यूरी क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। हमने उसको वैल्यू दे दी कितनी, एक्स। अब अगर मैं न्यू डेटम ड्रॉ करूं तो जो न्यू डेटम है वो, न्यू डेटम कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है न्यू डेटम, दिस लाइन डिपिक्ट्स द न्यू डेटम। तो लाइन वाई रिप्रेजेंट्स द न्यू डेटम। अब हमें पता है ओल्ड डेटम और न्यू डेटम के बीच में कितना हाइट डिफरेंस है, एक्स का, स्मॉल एक्स का हाइट डिफरेंस है जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो था, और यहाँ से हम कितना नीचे आए हैं, यहाँ से भी हम आए हैं एक्स अमाउंट नीचे आ गए हैं। क्लियर। तो अब बचती है बात कि ये जो ये हाइट है, ये हाइट कितनी हुई, ये हाइट कितनी हुई, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया एच। अब अगर आपको एच कैलकुलेट करना है तो इस एच को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस एच को देखिए, इस एक्स पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ पाइपलाइन तक कितनी हाइट थी, 0.1। एच क्या है, एच को मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन बनाना चाहूँ, आप दोनों डायग्राम्स में देखिएगा, एच प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स। इज इट ट्रू, यहां से लेके यहां तक, एक्स से लेके सेंटर ऑफ पाइपलाइन तक टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है मुझे, 0.1 मीटर्स। ठीक है, तो अगर ये 0.1 मीटर है तो हमने क्या किया, हमने ये वाला छोटा एच, ये वाला एच निकालना है। तो इस एच में ये एक्स भी आ रहा है और ये एक्स भी आ रहा है, यहाँ पे एक एक्स भी होगा। क्लियर, ये भी क्या है, एक्स है। तो टोटल एच क्या लिख सकती हूँ मैं, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स। एम आई क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम न्यू डिस्टेंसेस देखते हैं, अगर मेरा पॉइंट ए यहाँ पे है तो मैं कितना नीचे आऊंगी, मैं कितना नीचे आऊंगी, अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल एच बोल दूँ, 0.1 को, 0.1 को मैंने नाम दे दिया कैपिटल एच। कैपिटल एच इज फ्रॉम हियर टू द ओल्ड डेटम एक्स, दिस इज माई कैपिटल एच। ठीक है, तो कैपिटल एच से मैं कितना नीचे आऊँ, कैपिटल एच से मुझे कितना कम आना है, एक्स डिस्टेंस कम नीचे आना है। तो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पी ए, अब नीचे आ रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा, कैपिटल एच माइनस एक्स, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, कैपिटल एच यहाँ से लेके यहाँ तक था, कैपिटल एच माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे अब मेरा नया लेवल ऑफ मर्क्यूरी इस पॉइंट पे आ गई, ये मेरा न्यू डेटम है, यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ शिफ्ट हो गई तो मैंने ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, सिर्फ स्मॉल एच ऊपर जाना है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल एच माइनस एक्स, लिक्विड कौन सा था, वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, स्मॉल एच ऊपर जाना है इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी लिखा जा सकता है। उसके बाद मैं एटमोसफेयर को स्ट्राइक कर गई तो जीरो। अब अगर मैं इस इक्वेशन से लिखूं
तो इस इक्वेशन दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस टू टाइम्स ऑफ स्मॉल एक्स. इस इक्वेशन से यही आएगा, कैपिटल एच इज स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस टू टाइम्स ऑफ स्मॉल एक्स. क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास क्या है, पी ए तो ऑलरेडी गिवन है. पी ए कितना गिवन है, 9810 प्लस कैपिटल एच कितना है, 0.1. यहाँ पे लिखा है हमने कैपिटल एच कितना है, 0.1, वो हमें फर्स्ट केस में दिया था. माइनस एक्स, एक्स मुझे नहीं पता, रो डब्ल्यू मुझे पता है 10^3, जी भी मुझे पता है 9.81. क्लियर? माइनस स्मॉल एच कितना है, स्मॉल एच इज कैपिटल एच माइनस 2x इंटू रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू 10^3, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 9.81. यहाँ पे मुझे इस कैपिटल एच की वैल्यू पता है, तो मैं इसको सब्सिट्यूट कर देती हूँ, और सब्सिट्यूट करके क्या लिखूँ, 0.1. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 0.1. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या निकालना है, मुझे इस x की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है. तो लेट्स सॉल्व फॉर x, दिस इज इक्वल टू 0. तो सॉल्विंग फॉर x आपके पास आएगा 9810 प्लस 1.36 माइनस 1.36 प्लस 0.1 माइनस एक्स प्लस 27.2 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. सो एक्स और एक्स की टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं और ये वाली टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा, सॉरी इसमें इनटू इनटू 9810 इज इक्वल टू 0 होना है. ठीक है, हमने ये डेंसिटी और 9.81 मल्टीप्लाई करना भूल गई थी मैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, जो आप कर सकते हैं, x विल बी इक्वल टू 9.92 इंटू 10^ माइनस 3 मीटर्स. तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई. अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मुझे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे तो पूछा है कि ये h कितना होगा. कैलकुलेट द न्यू डिफरेंस इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी. तो मुझे क्या पूछा है, स्मॉल एच पूछा है. तो स्मॉल एच इज इक्वल टू, स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स. तो कैपिटल एच इज इक्वल टू 0.1 माइनस टू टाइम्स ऑफ 9.92 इंटू 10^ माइनस 3 विच विल गिव मी 0.08015 meters. So this is equal to small h. This is my answer. Am I clear? This is my answer. ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जितना ये लिक्विड यहाँ से डिप्रेस हो रहा है, उतना ये लिक्विड यहाँ से राइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है. ठीक, और फिर हमने ये देखना है कि पुराने डेटम के रेफरेंस में और नए डेटम के रेफरेंस में क्या राइजेस और क्या चेंजेस हुए. आपने फिर ये इक्वेशन बनानी है कि h माइनस एक्स है और h माइनस 2x कहाँ से आया. आपने ये किया, x की वैल्यू सॉल्व करी, x की वैल्यू सॉल्व करके हमने क्या निकाल दिया, h की वैल्यू निकाल दी. सो इस टाइप के बाकी और क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो आई होप आपको ये समझ आया हो. प्लीज स्पेशली लास्ट क्वेश्चन को आप दो बार ही समझें, कोशिश करें उसको सॉल्व करने के लिए. इस टाइप के और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.